साड़ी के साथ में पीला पीला स्वेटर, पीला नहीं है लेकिन फिर भी चल जाएगा भाई, बसंत पंचमी है, पीला पहनना तो बनता है। नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे। सो यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने क्या करा है कि मेरे पास में ये वाइट कलर का पर्दा रखा हुआ था, उसको मैंने अलमारी के ऊपर ना ढक दिया है ताकि ये ना पीछे से बैकग्राउंड अच्छा लगे। और साथ में ये मेरे पास पत्तों वाली लड़ी थी जो दिवाली पे ये लेकर के आए थे हस्बैंड जी, तो ये मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर ये दो ऐसे लड़ी लगा दी है और इसको मैंने पिन से अटैच किया ताकि ये नीचे गिरे नहीं और अच्छे से मतलब पीछे का बैकग्राउंड अच्छा लगे माता रानी को जब हम यहाँ पर बिठाएं। पहले मैं सोच रही थी कि मंदिर के अंदर ही कर लूँ पूजा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अच्छे से पूजा करते हैं क्योंकि हर्षित की इस बार ना स्कूल में भी है ना नहीं हो, स्कूल भी नहीं जा पा रहा है, तो स्कूल में उसकी मतलब स्कूल में हो जाती है वैसे तो पूजा, लेकिन अब नहीं जा रहा है तो यहाँ पर अच्छे से करते हैं। और फिर यही उम्र है हर्षित की सीखने की, तो यहाँ पर मैंने एक चौकी रखी, उसके ऊपर मैंने पीला कपड़ा बिछा दिया, बसंत पंचमी है तो पीला पीला ही चलेगा। वहाँ पर मैंने माता रानी को बिठा दिया है फूल और चावल रख कर के, और साथ में मैंने हर्षित की कुछ बुक्स रख दी थी, साथ में बांसुरी और ढोलक रख दी थी, और यहाँ पे मैंने अपनी भी कुछ बुक्स को रख दिया था। और इस तरह से मैंने पूरा ना डेकोरेट किया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे माता रानी है ना कहीं दबी दबी सी हो रही है, हर्षित बोल रहा था मम्मी आपने माता रानी को तो पूरा दबा दिया, तो फिर मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं वो आपको अभी दिखेगा। लेकिन उससे पहले मैं आ गई हूँ किचन में कुछ पीला पीला बनाने के लिए। मैं यहाँ पर बेसन का हलवा बना रही हूँ, तो बेसन का हलवा वही है कि मैंने आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी देसी घी डाला है, उसके अंदर बेसन डाला है, जितना देसी घी होता है ना उतना ही बेसन डालना पड़ता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कम ही घी डालती हूँ। और उसके बाद में जो पानी है ना वो भी है ना बेसन जितना लेते हैं ना उतना ही पानी डालना पड़ता है, तो इस क्वांटिटी का इसका ध्यान रखना पड़ता है। और फिर उसके बाद में जो बेसन का हलवा बनता है ना बहुत ही अच्छा बनता है। यहाँ पे मेरा बेसन का हलवा जो है ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, बस मैंने यहाँ पे चीनी ऐड करी है और इसके अलावा मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, ड्राई फ्रूट्स मैं कुछ ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हर्षित को नहीं पसंद है, हलवे के अंदर नहीं है पसंद, वैसे वो खा लेता है थोड़े बहुत, लेकिन अगर किसी चीज़ के अंदर डाल के दो ना तो उसको नहीं अच्छे लगते हैं। जब मैंने लड्डू बनाए थे ना आटे के तब भी मैंने बिल्कुल पीस करके और फिर डाले थे ताकि इसको दिखाई ना दे, तो यहाँ पे ये बेसन का हलवा जो है वो तैयार हो गया है। तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं और आप सब भी शामिल हो जाइए हमारे साथ में इस सरस्वती पूजा में। चाहे जितनी भी तैयारी कर लो लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब हम पूजा करने बैठते हैं ना कुछ ऐसी चीज़ जरूर रह जाती है जो हम भूल गए होते हैं, तो बस वही मैंने अब चंदन लिया था पीला, कि माता रानी को पीला तिलक लगाना तो बहुत ज़रूरी है, हल्दी का या फिर चंदन का लगाना ज़रूरी होता है, तो फिर वो मैं ले रही थी। Thank you.
एक भारत देश ही ऐसा देश है जहाँ किताबों को पूजा जाता है, और साथ में अगर पैर लग जाता है ना गलती से तो उन्हें छुआ जाता है, चूमा जाता है। बाकी कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर ऐसा होता है, तो इस चीज़ के ऊपर भी गर्व करना बनता है। और मैं तो पता है कैसी थी कि अगर किसी और की बुक भी बेंच पे से गिर जाती थी ना, तो मैं दूर से ही मैंने हाथ कर लेती थी कि मैंने छू लिया है। तो मतलब मैं तो इतनी रिस्पेक्ट देती थी अपनी बुक्स को और सब चीज़ को। और यहाँ पर हर्षित को मैं बताती जा रही हूँ और वो उसी तरह से करता जा रहा है। वैसे मैंने पहले करी थी ताकि वो देख ले कि कैसे करते हैं, और हर साल उसको बताती हूँ और फिर वो हर साल भूल जाता है। होता है साल भर में अगर एक बार कर रहे हैं तो फिर भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हर्षित ने ना ढोक भी लगा लिया, और जो इसने ये ड्रेस पहनी है ना, ये स्पेशली ये बसंत पंचमी के लिए ही लेकर के आया था कि स्कूल में ना बसंत पंचमी पर ड्रेस पहनवाते हैं पीली, तो मैं क्या पहनूंगा। तो अब ये लेकर के आया था, लोअर की बात कर रही हूँ मैं, टी शर्ट तो है ना इसके साथ में ये ब्लैक कलर की लेकर के आया था, बट ये इसके साथ में आज इसने ये वाली पहन ली, येलो वाली। तो लेकिन अफसोस कि स्कूल ही बंद है। पूजा तो हम लोगों की हो गई है, और ये रहा प्रसाद। मैंने बेसन का हलवा बनाया था, आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद माता सरस्वती की पूजा का। और आप सभी को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी, सरस्वती माता के बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हर्षित तू भी बोल दे हैप्पी बसंत पंचमी। वीडियो का मैं इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ये प्यारी सी फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। और वंस अगेन हैप्पी बसंत पंचमी, हैप्पी सरस्वती पूजा, राधे राधे।